Good morning students, I hope you all are well and doing mathematics comfortably. जब भी हम किसी काम को करते हैं ये आवश्यक नहीं कि पहली बार ही हमें सफलता मिले उस काम को. इसी तरह से मैथमेटिक्स में जब भी कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ये आवश्यक नहीं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाए. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रयास नहीं किया है या आपका काम जो है वो शून्य हो गया है. जब आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो तो आपको मालूम होता है कि हमने कहाँ गलती की है, या जब मैं इस मेथड से इसको सॉल्व करूँगा तो ये नहीं होगा मुझे दूसरे मेथड से या दूसरे अप्रोच से या कोई कमी है जिसे मुझे दूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ये हर काम में अति आवश्यक है, इसलिए आपको निराश नहीं होना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रयास करते रहना है. मैं समझता हूँ कि जो मैंने पढ़ा रखा है, आज का हमारा 10th लेक्चर होगा बाइनरी कंपोजिशन पे और ये लास्ट वीडियो होगा. आज बाइनरी कंपोजिशन जो लेक्चर 9 में प्रॉब्लम्स दी थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू. कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हम अपने आंसर्स कैसे चेक करें. मैथ्स इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर योरसेल्फ. आप अपने आंसर खुद भी चेक कर सकते हो. बाइनरी कंपोजिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, इनके ऑल्टरनेटिव भी है, मैंने आपको सिखाया भी है कि किस तरह से उनको वेरीफाई करना है. फिर भी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लेक्चर 9 के अंदर उसकी 3 प्रॉब्लम्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं. डिटरमिन द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो चेक द कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता एंड एसोसिएटिविटी. चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, ये दोनों प्रॉपर्टी चेक करना है. उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका इनवर्स चेक करना है. आपको ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, कम्यूटेटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, मैंने पढ़ा रखा है. यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियोज देख सकते हो. 3 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी है, इनके जो ऑपरेशंस है वो मैंने नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है. पहला जो पार्ट है, सो द सेट इज गिवन Z5 दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 सच दैट A स्टार G मीन्स द बाइनरी कंपोजिशन. दिस इज ए बी मीन्स प्रोडक्ट. कब ए बी इज लेस देन 5 एंड सेकेंड रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रिमाइंडर. एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस हमने डिस्कस कर रखे. यहां पर जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, जिसको हम डॉट या फिर इसको इसे रिलीज कर सकते. यदि एडिशन मॉडल होता एडिशन मॉडल 5 मीन्स इट इज डिनोटेड बाय एडिशन. 3 प्रॉब्लम्स हमने इसके साथ में डिस्कस की थी, इस ऑपरेशन के साथ में. यहां पर जो है वो स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडल है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 5, ये एलिमेंट्स Z5 0, 1, 2, 3, 4 A into B कब लिखना है, सीधा प्रोडक्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जब लेस देन 5 आंसर हो, रिमाइंडर
when AB is divided by 5, जब उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 5 होता है। मैंने आपको कई बार कहा कि जब भी फाइनाइट सेट हो बेस्ट है कंपोजिशन टेबल बनाओ और उसको रीड करो। तो लेट अस सी, कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 0 1 2 3 4 2 3 4 मल्टीप्लाई। सो 0 into 0 0, 0 into 1 0 0 0, then 0 1 2 3 4, then 2 into 0 2 2 2 4 2 3 6, 1 आएगा, 2 4 8 तो 3 आएगा। 5 या 5 से ज़्यादा जब भी आंसर आए डिवाइड करोगे और रिमाइंडर सेस को लिखना है। 3 3 2 6 1 3 3 9 4 3 4 12 2 4 को मल्टीप्लाई करें 0 4 4 2 8 3 आएगा, 4 3 12 2 आएगा 4 4 6 1। कंपोजिशन टेबल हमारा पूरा हो गया है और आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो गिवन सेट के हैं, Z5 के बिलोंग्स टू Z5। Therefore, Z5 is closed under binary composition. This is closed. Now we find the identity element. How to find the identity element? आपको याद होना चाहिए कि जो first topmost row है उसके identical 0, 1, 2, 3, 4 हमें याद मिल रहा है। आप याद है। उसके बाद में ये जो कॉलम है इसके identical 0, 1, 2, 3, 4 यहां पर है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, this is the identity element number 2. So 1 is the identity element. मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, पहले आपको बता रखा था मैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जहां क्रॉस दोनों का इंटरसेक्शन बना है वो एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अब ढूंढते हैं इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन के लिए यह जो ऑपरेशन है इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। सो थर्ड पार्ट से मैं लिखूंगा इसका, नंबर 3 इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इनवर्स ऑफ 1 इज 1। फिर 2 का मैंने बताया था आपको प्रभाव कैसे नष्ट होता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ध्यान रखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, ये देखो ये ऐसे ये मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके अगेंस्ट में जा रहा है 3 के, मीन्स 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 6 का मतलब हो गया ग्रेटर देन 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1। इसलिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है
तो यहाँ 2 और 3 के इफेक्ट आपस में नष्ट हो रहे हैं. सो इनवर्स ऑफ 2 इज 3 एंड वाइस वर्सा 3 इज 2. नाउ वी कम टू और अब देख सकते 3 के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट याद है ना, ये रहा किसके अगेंस्ट में 2. 4 के लिए याद देखो आइडेंटिटी कहां जा रहा है, ये रहा किसके अगेंस्ट में 4. तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा. सो इनवर्स ऑफ 4 इज 4. यहां सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, आइडेंटिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है. इनवर्स ऑफ 1 इज 1 क्योंकि आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर 4 का इनवर्स भी 4 हो रहा है, लेकिन इसका 4 जो है वो आइडेंटिटी नहीं है. दूसरी बात, एवरी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप ध्यान दोगे इसके ऊपर. यहाँ पर 0 जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन. 1 का इनवर्स है, 2 का है, 3 का है, 4 का है. उसके बाद मैंने कहा था कम्यूटेटिव देखने का तरीका जो है, ये डायगनल पार्ट देख लो, टू टू. वैसे भी मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ऑल्सो, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. तो ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी मिल गया, लेकिन इस एक एलिमेंट का हमें इनवर्स नहीं मिलता है. सेकेंड जो एग्जाम्पल है बी पार्क, जिसमें सेट जेड फाइव लिखा है. मैं इस जेड फाइव और इस जेड फाइव में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको एस एस इक्वल्स 1 2 3 4. 0 को मैंने यहां से हटा दिया है. बी पार्ट ये हटा दिया 1 2 3 4. ऑपरेशन में वही रखा, ऑपरेशन चेंज नहीं कर रहा. कंपोजिशन टेबल देखते हैं, लेट अस सी क्या चेंज किया मैंने. यहां 0 था, यहां 0 मैंने हटा दिया है. ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 into 1 1 2 3 4, 2 4 1 3, 3 1 4 2, 4 3 2 1. आपको समझना है मैंने कैसे लिखा है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा आइडेंटिटी. कौन 1 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. अब देख सकते कंपोजिशन इज क्लोज क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी मिल गए. अब देखते इनवर्स, इनवर्स ऑफ 1 इज 1 बिकॉज आइडेंटिटी. इनवर्स ऑफ 2 देखो, हीरा 2 की लाइन में आइडेंटिटी कहाँ, हीरा किसके अगेंस्ट में 3, आइडेंटिटी ऑफ 2 इज 3, आइडेंटिटी ऑफ 3 इज 2, आइडेंटिटी ऑफ 4 इज 4 4 4 6. ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, कम्बिनी में होता है और एसोसिएटिव है, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. यहां पर और यहां जो पहला एग्जांपल था इसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, सो इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट.
यदि मुझे वो सेट लेना है जिसमें सारे एलिमेंट्स के इनवर्स एक्सिस्ट करते हैं इस तरह से, तो मैंने क्या किया कि यहां से एक एलिमेंट जीरो ट्रबल करा था उसको हटा दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आगे हम बात करेंगे इसकी। यहां मैंने मल्टीप्लीकेशन मॉडल 5 लिखा है। 5 इज द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, और ये जो सेट बनाया है वो 1 से स्टार्ट है और 5 से कम। तो यदि मैं 7 लिखूंगा तो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना के देखना और देखना कि इसमें सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, सो सी द डिफरेंस। 0 लिखता हूं मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 5 में तो मुझे इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, केवल एक एलिमेंट का, लेकिन यदि मैं इसको वहां से हटा देता हूं तो ये बात मेरी बन जाती है। लेट अस कंटिन्यू। M to R, C part. Means set of all square matrices, बता रखा आपको, of order 2x2 with entries with entries of real numbers. Means 2x2 2R, set of all square matrices of order 2x2, या 2 का मतलब 2x2, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, जो उसके अवयव है मैट्रिक्स के, वो रियल नंबर्स है। इसके दो पार्ट, पहला जो है बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन, ही बाइनरी कंपोजिशन प्लस इनफाइनाइट सेट है, ध्यान रखना ही है, ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। तो कोई दो एलिमेंट्स ले लेता हूं यहां से, लेट्स ए बी बिलोंग्स टू दो मैट्रिक्स ले सच दैट, कैसे आप चाहो तो एलिमेंट्स बना के देख सकते ए वन बी वन सी वन E1 और B जो है दे देता हूँ E2, B2, C2 और B2। टू बाई टू मैट्रिक्स, एंट्रीज रियल नंबर्स, आपको ध्यान होना चाहिए कौन से नंबर्स रियल होते हैं कौन सा नहीं। Now, A plus B, let us find A plus B, A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. This is A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, D1 plus B2. ये नंबर्स रियल है, ये भी नंबर रियल है, दो वास्तविक संख्याओं का योग भी वास्तविक होता है, इसलिए सारी जो एंट्रीज है ये सारी की सारी कैसी है, रियल नंबर्स है। एंट्रीज रियल नंबर्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है, इसलिए ये वापस जो है किसी का मेंबर आ गया, किसका,
टू बाई टू की कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो जिसके एंट्रीज रियल हो, का यदि आप योग करोगे तो वापस टू बाई टू की मैट्रिक्स ही आएगी। जैसे दो प्राकृत संख्या को योग एक प्राकृत संख्या होता है, वैसे दो मैट्रिक्स का योग जिनका ऑर्डर टू बाई टू है और एंट्रीज रियल नंबर है वापस इसी में आए। देयरफोर मैट्रिक्स एडिशन इज बाय ऑन एंड मैट्रिक्स एडिशन इज बाइनरी कंपोजिशन। किसमें? इस पर्टिकुलर सेट के अंदर ये होगा। इसी तरह से उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, यदि आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी वापस टू बाई टू का मैट्रिक्स आएगा। अपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रखा है दो मैट्रिक्स का जब आप गुणा करते हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर है, टू बाई टू का ए मैट्रिक्स और टू बाई टू का बी मैट्रिक्स भी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आएगा। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स एडिशन दोनों का दोनों बाइनरी है। अभी हम मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंपोजिशन था वो क्या हो गया, वो क्लोज्ड हो गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे आपको मैंने बता रखा है। देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू दो मैट्रिक्स का योग भी वापस उसी का मेंबर है। देयरफॉर एम टू आर इज क्लोज्ड अंडर प्लस ओके। अब आइडेंटिटी ढूंढते हैं। प्लस है आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था आपको, इसको ढूंढना है, किसको? ई को। अब ध्यान रखना है कि यहां पर जो हमारा सेट है वो मैट्रिक्स है, इसलिए ये मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स होगा। तो क्या करता हूं, सपोज कैपिटल ई लेता हूं, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ इट एक्सिस्ट्स, इसको मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया यदि वो विद्यमान है। सपोज दिस बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एक्सिस्ट्स सच दैट कि किसी भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स को इसके साथ ऑपरेट करूं तो वापस वही 2 बाई 2 मैट्रिक्स आ जाए। ये तो है, इसको मैंने इसके साथ ऑपरेट किया तो वापस ये आ गया। तो E जो है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सच दैट E जो है इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या ना। एक पार्ट लेता हूं, ई मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस इसको ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स को,
सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स यदि बराबर हो तो उनके एलिमेंट्स बराबर हो। देखो देखो ई जो है मेरा जो कि नल मैट्रिक्स, दिस इज आई, ध्यान रखना मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो रियल नंबर है और जीरो जो है वो रियल नंबर है। यदि मैं नेचुरल नंबर्स लिखता तो ये बात संभव नहीं हो पाती, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मैंने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स लिए वो रियल लिए। तो यहां पर जो ई मुझे मिला है वो ये मिला, इसकी एंट्रीज में जीरो है, सारे एलिमेंट्स इसके जीरो जीरो रियल नंबर है, इसलिए नल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यदि कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पर तो मेरे पास बात बनी है, दैट इज ए प्लस नल मैट्रिक्स को मैंने ओ से डिनोट किया, ए प्लस दैट इज ये मेरे पास नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, इनवर्स देखते हैं। लेट्स बी बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इफ इट एग्जिस्ट्स सच दैट इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूं, और यहां पर मैट्रिक्स है इसलिए ये 2x2 है तो आपको ऐसे लिखना, 3x3 है तो वैसे लिखो जैसे दे रखा है। तो सपोज दिस बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, इफ इट एग्जिस्ट कहां इन, ध्यान रखना उसी में होना चाहिए ए मैट्रिक्स। देखो कोई एक उठा के चलूंगा, एक्स वाई जेड टी प्लस ए बी सी डी इक्वल्स, देखो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी टी प्लस डी, दो मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब एलिमेंट्स इक्वल। सो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एंड टी प्लस डी इम्प्लाइज बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। सो व्हाट इज ए, बी सी ए क्या बना, ये तो हमारे पास भी था ही मैट्रिक्स, हमने बी कैलकुलेट किया है
Suppose B be the additive inverse of A, if it exists. So A is minus X, so X is minus A. तो जब भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो, ये साइन हमने चेंज कर दिया। वेरिफिकेशन यदि आप करोगे, इन दोनों को ऐड करो, आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे बाय द वे एग्जांपल, लेट्स 2 - π √3/2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 2 by 2 विद रियल एंट्रीज, 2 रियल नंबर माइनस 5 रियल नंबर रूट 3 रियल नंबर 3/2 रियल नंबर। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? इट्स एडिटिव इनवर्स बी। क्या मिलेगा? जस्ट चेंज द साइन, -2 π - √3 - 2। दोनों को ऐड करो, नल मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, क्रम इनमें पालन करती है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव, a + b + c = a + b + c ऑलवेज। देयरफॉर मैट्रिक्स एडिशन इज बाइनरी कंपोजिशन, नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स। कोई सा भी ले लो, ए बी सी डी, कोई से भी रियल नंबर, देन यू कैन फाइंड द इनवर्स लाइक दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो दिस वॉज द होमवर्क। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ binary composition. Now it is over. Now we people are in position to develop the most important concept of modern algebra or abstract algebra. We will discuss it tomorrow. So thank you very much.